असलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MICTech। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे लाइव डेमो यूनिट्स के बारे में। अब इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएं, क्योंकि वो वीडियो टू बी वेरी ऑनेस्ट उस टाइम पर मुझे भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था। उस टाइम पर मैंने एक डेमो यूनिट बाय किया था और मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दी थी। उस टाइम मार्केट में, यानी आप समझ लें कि फर्स्ट डेमो यूनिट बायर में से मैं वो था कि जिसने शुरू में जब डेमो यूनिट्स आए थे, जब किसी को पता भी नहीं था वो क्या है, तब मैंने उनको बाय किया था। तो बेसिकली मैंने सैमसंग गैलेक्सी S10e बाय किया था डेमो यूनिट के अंदर, और मैंने उसको थोड़ा अर्सा यूज़ करके उसको सेल करके फिर मैंने दोबारा डेमो फ़ोन नहीं लिया। अब मैं आपको बताऊँगा कि उसके पीछे की रीज़न क्या है। मैं आपको कुछ इसका बता दूँगा कि ये होता क्या है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको ये बाय करना है कि नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे मसले ऐसे होते हैं जो आपको डेली लाइफ में नहीं सूट करते, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत से लोगों को सूट कर भी जाती हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि डेमो यूनिट होता क्या है। डेमो यूनिट होता ऐसे है कि मिसाल के तौर पे बहुत से एंड्रॉयड फ़ोन्स के डेमो आते हैं। मैंने हवावे के भी देखे हैं, मैंने सैमसंग के भी देखे हैं, और भी काफ़ी सारे उनके आते हैं, लेकिन उनके मैंने देखे नहीं हैं। लेकिन जो सैमसंग के हैं उनकी हम मिसाल के तौर पर ले लेते हैं कि सैमसंग जब कोई भी नया फ़ोन लॉन्च करता है तो अपने सब स्टोर्स पे और मॉल्स में जहाँ जहाँ भी आपको फ़ोन डिस्प्ले पे मिलते हैं वहाँ वहाँ वो डेमो फ़ोन्स दे देता है डिस्प्ले पे लगाने के लिए। अब डेमो फ़ोन्स का मकसद ये होता है कि वो उसके IMEI 00 कर देते, ताकि उससे कोई चीज़ बंदा उधर आके कोई उल्टा सीधा उस पर काम भी ना कर सके, और साथ में जो है उसको कोई चोरी भी ना कर सके, क्योंकि जो उसको चोरी कर लेगा उसके किसी काम का नहीं होगा। उस टाइम उस पर एक डेमो सॉफ्टवेयर ऑन हुआ होगा जो कि आपको सिर्फ फ़ोन का कुछ डेमो दिखाएगा, आप हर चीज़ उस पर नहीं खोल सकते। लेकिन जो है वो सॉफ्टवेयर रिमूव होके ये आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर चीज़ें इन हो गई, और अब इस टाइम पे आज के इस टाइम पे इसके अंदर सिम भी खुल जाती है। अब मैं आपको वो सारा प्रोसीजर बताऊंगा कि वो क्या होता है। पहले हम ये इस पे आ जाते हैं कि इसके जो अच्छी चीज़ें हैं वो क्या है। अब सबसे पहले अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप सैमसंग का S21 Ultra लेते हैं, वो मिलता है आपको 2,30,000 रुपये का बॉक्स पैक्स। अब तो चार्जर भी साथ नहीं आता, लेकिन जो है तार वगैरह और डब्बा शब्बा सब कुछ साथ आ जाता है। और पाकिस्तान से लेंगे तो PTA प्रूफ भी आपको मिल जाएगा, बाहर से मंगवाएंगे तो आपको PTA से प्रूफ कराना। और जो अगर डेमो यूनिट्स हैं उनका आप क्या होता है कि अगर आपने 2,30,000 का S21 Ultra लिया, तो डेमो S21 Ultra आपको 1,30,000, 1,20,000, इवन 1,00,000 तक में भी मिल जाएगा। क्योंकि वो कुछ ऐसे होता है कि वो जो दुकानदार होते हैं, पहले ये इस काम में यूज़ होते थे डेमो फ़ोन से, अगर किसी के फ़ोन की स्क्रीन टूट गई है तो दुकानदार जब डेमो फ़ोन पुराना हो जाता था, यानी नया मॉडल आ जाता था, उनके डिस्प्ले से वो डेमो उतर जाता था, तो वो उस डेमो की स्क्रीन बेच के लगा देते थे। बाद में क्या हुआ, कोई सॉफ्टवेयर आया कि वो फ़ोन आम फ़ोन की तरह यूज़ हो सकता है, बस सिम नहीं चलेगी। जब मैंने S10e लिया था उस टाइम पर ये एक सॉफ्टवेयर आया था कि उसका वो रिमूव कर देते थे डेमो, और जो है आप उसको आम फ़ोन की तरह यूज़ कर सकते थे, बस सिम नहीं चलती थी उसके अंदर। तो लोगों ने इसको बाय करना शुरू कर दिया, साथ छोटा मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिया सिम के लिए, और इसको बाय करना शुरू कर दिया कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। S10e उस टाइम 80,000 से अबव था ऑफिशियल वाला, जो यानी ऑफिशियल तो पाकिस्तान में S10e आया ही नहीं था। नॉन PTA जो है वो 80,000 रुपये तक था, और यहाँ पर ये भी सिम चलाए बगैर आपको 40,000 तक मिल जाता था। तो इस फ़ोन की जो है ये चीज़ होती थी कि बस आप इसमें सिम नहीं चला सकते थे। अब आज के टाइम आप इसमें सिम भी चला सकते हैं। अब इसके जो कुछ अच्छी चीज़ तो यही है कि कीमत आपको बहुत कम मिल जाती है, लेकिन अब इसकी जो कुछ बुरी चीज़ें हैं उनमें से एक सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अगर इस फ़ोन को यूज़ करते हैं तो आपको कभी भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आएगा, आपको जाके इसको सॉफ्टवेयर अपडेट कराना पड़ेगा, या अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेते हो तो आप खुद इसको सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, जिसमें काफ़ी सारे मसले मिसाइल होते हैं। अक्सर दफ़ा आप इसको कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो आपका सारा डाटा भी जो है वो उड़ जाता है, अक्सर दफ़ा वो डाटा वापस भी आ जाता है। मैंने S10e पे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करके उसको सेल किया था, उस पर मैंने सिम भी खुलवाई थी। अब उस पर सिम खुलवाने का मसला ये होता था कि अगर आपके फ़ोन की अपडेट आई या फ़ोन को अगर फिर सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेते हैं आपकी, फिर सिम बंद हो जाती है, और आपको IMEI भी किसी दूसरे फ़ोन के लगाने पड़ेंगे, जो कि एक इलीगल काम है। तो बेसिकली लीगल तौर पे भी ये गलत चीज़ है, लोग पैच IMEI उसके ऊपर लगवा लेते हैं उसका डेमो रिमूव करा के, तो ये एक गलत चीज़ है। लेकिन इसमें यह है कि आपको सीधा सीधा जो है आधे पैसों में फ़ोन मिल जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप एक 2,30,000 का मोबाइल एक दफ़ा बाय कर लें तो वो आपको इतनी खवारी नहीं करेगा जितनी ये रोज़ रोज़ आपको करेगा। आप फ़ोन पावर ऑफ करके ऑन करेंगे, आपको थोड़ी देर एयरप्लेन मोड पे रखना पड़ेगा, नहीं तो फ़ोन आपका गर्म हो जाएगा और बार बार रीस्टार्ट हो ही जाएगा। या आपको कोई भी डेमो सेल करने से पहले नहीं बताता इवन, या आपको जो है कोई भी उस पर सिम खोलते टाइम भी नहीं बताता। ये सारी आपकी अपनी सिरदर्द है, ये आपको किसी ने नहीं बतानी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप फ़ोन को कभी रीसेट कर देते हैं,
तो उसके भी चांसेस हैं कि अब आप डिपेंड करता है कि आपने किससे सिम खुलवाई है। अगर वो आपने उसने आपको सही सिम खोल के दिया तो आपको जो है यानी आम रीसेट से कुछ नहीं होगा, हार्ड रीसेट से आपका फिर सिम बंद हो जाएगी। तो यानी इस किस्म के काफ़ी सारे मसले मसाइल इसके अंदर हैं जो डेली लाइफ में बड़े एक जो है अजीब सी चीज़ है। पहले बड़ा अच्छा लगता है कि यार इतना सस्ता फ़ोन मिल जाएगा, लेकिन ये एक प्रैक्टिकली तौर पे ये चीज़ जो है कोई ज़बरदस्त चीज़ नहीं है, और ये ज़्यादा देर मार्केट में इन भी नहीं रहेगी, ये दोबारा वापस वैसे ही हो जाएगी। जैसे अब लोग नॉन पीटीएफ फ़ोनों को पैच कराने लग गए हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको नॉन पीटीएफ फ़ोन को भी जब आप पैच कराएंगे आपको उसके अंदर भी ये सारे मसले देखने को मिलेंगे कि आप रीसेट करेंगे, आप सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और आपका फ़ोन इस हद तक गर्म होने लग जाएगा कि आप कहेंगे कि यार ये पता नहीं फ़ोन को शायद कोई मसला हो गया, या आपका फ़ोन जो है वो बैटरी टाइमिंग उसकी इतनी गंदी हो जाएगी कि आपको हर थोड़ी देर बाद फ़ोन को चार्ज करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ प्रैक्टिकली तौर पे बहुत अजीब चीज़ है, क्योंकि बेसिकली अब आपके फ़ोन की सिम कैसे खुलती है, वैसे खुलती है कि आपका फ़ोन पहले होता है जी रूट, रूट करके आपके फ़ोन के वो IMEI चेंज कर देते हैं, IMEI चेंज करके रूट करके उसके अंदर वो आपको सिम चला देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि रूट करके वैसे ही फ़ोन बहुत गर्म होता है, और रूट करके जब आप उसका वो भी चेंज कर देंगे तो ये बेसिकली फ़ोन एक इलीगल साइट पे फ़ोन चला गया हर लिहाज से, PTA के लिहाज से भी, सैमसंग के लिहाज से भी, और आपका डाटा भी कहीं सेफ़ नहीं होगा। फ़ोन रूट करने के बाद आपका कहीं पे भी डाटा लीक हो सकता है, क्योंकि आप जो है सैमसंग के जो प्राइवेसी सॉफ्टवेयर हैं नॉक्स वगैरह और उसके अलावा भी जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी उसके अंदर नहीं चलते, इवन सैमसंग हेल्थ भी नहीं चलता, और भी बहुत सारे सैमसंग के अपने जो सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर नहीं चलते क्योंकि आप फ़ोन को रूट कर लेते हैं। तो ये एक बेसिकली मेरे हिसाब से, तभी मैंने उस फ़ोन को सेल करके फ़ौरन नॉन PTA फ़ोन ले लिया, मेरे हिसाब से ये फ़ोन जो है ये एक बड़ी एक अजीब सी चीज़ है। तो आप इसको जो है मेरे ख्याल से ना बाय करें लाइव डेमो यूनिट्स को तो बेहतर होगा। बाकी अगर कोई बंदा इस किस्म का है कि उसको इस किस्म का मसला नहीं है कि यार मैं सॉफ्टवेयर अपडेट करूं, उसको ये है कि यार मैंने एक दफ़ा अच्छा फ़ोन ले लिया, अच्छी रैम है, अच्छा प्रोसेसर है, तो उस बंदे के लिए ये फ़ोन ठीक है। अगर उसने इसको डेमो यूनिट ही चलाना है, अगर उसने इसमें सिम खोलनी है, तो उसके लिए भी ये थोड़ा बहुत मसला करने लग जाएगा। लेकिन बेसिकली इतना भी इसमें कोई ख़ास किस्म का मसला नहीं है, लेकिन मेरे जैसे बंदे के लिए ये काफ़ी अजीब चीज़ है कि रोज़ उसके रोज़ आपको जब अब नई अपडेट आएगी आप अपडेट नहीं कर सकते। तो मुझे ये है कि मेरी चीज़ जो है अपडेट रहे हर टाइम, तो इस वजह से जो है मुझे ये चीज़ नहीं सूट की, हो सकता आप लोगों को ये चीज़ सूट कर दे। तो ये लाइव डेमो यूनिट्स का मेन पर्पज़ होता है, इसका सारा मकसद होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।